भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज फिर तृणमूल पर जमकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहां के लोग मोदी जी को नेता मानते हैं, देश के तो छोड़िए, पर दीदी हमारी उनको प्रधानमंत्री नहीं मानती, वो कहती बाहर के। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने इस देश के अंदर एक बदनुमा दाग लगा हुआ था धारा 370 का, उसको हटाकर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, ऐसे अमित शाह जी भी बाहर के, वो भी बाहर के। तो ये बाहर बाहर का बोलकर दीदी बंगाल के अंदर एक बंगाली संवेदनशीलता पैदा करना चाहती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सपना देखा था, सोनार बांग्ला। आपने भी दीदी वादा किया था, मां माटी मानुष, सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला बना क्या? कोलार बांग्ला बन गया। कोयले की माफियाओं के साथ सरकार जुड़ गई। जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई बताइए, बताइए जुड़ी कि नहीं जुड़ी? सोनार बांग्ला की जगह कोलार बांग्ला, कोलार माफिया सत्ता के करीब हो गए। ममता जी का तो चेहरा दिखाई देता है कि सफेद साड़ी है, सादी चप्पल सादी, पर भाईपो के क्या हाल है? क्या हाल है भाईपो के? आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनके चश्मे की कीमत मालूम है कितनी है? 25 लाख रुपए के सिर्फ चश्मे की फ्रेम है उनकी, फ्रेम 25 लाख रुपए की। 7 करोड़ का मकान है, 7 करोड़ का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टीएमसी परिवार से आए हुए लोग बोल रहे हैं जी। मकान में एक्सेलेटर है, वाह यार, ये सब लोग देखे हुए लोग हैं। ये इन लोगों ने भुगता है, भुगता है, तानाशाही भुगती है। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आकर खुली हवा ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं डेमोक्रेसी है? वहां पर ऐसा लगता था कि तानाशाहों के बीच में हम फंसे हुए। ये टीएमसी में इन्होंने लंबे समय तक काम किया इस आशा और विश्वास के साथ कि दीदी के नेतृत्व में बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, पर सोनार बांग्ला तो नहीं बना, कोलार बांग्ला बन गया। गोरु की तस्करी कौन करवाता है? कौन करवाता है? भाईपो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टीएमसी परिवार से आए हुए लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सिंडिकेट राज को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? ये भाईपो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टीएमसी परिवार से आए हुए लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में क्यों लोग आए? इसलिए कि इनको भारत माता से प्रेम है, इसलिए कि ये चाहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने का सोनार बांग्ला हमको बनाना है, इसलिए। और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, इसीलिए हमारे मित्र ये सब भारतीय जनता पार्टी में आए। हम आपका स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते, मोदी जी सिर्फ इस देश के नेता नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, पर आज दुनिया उनके नेतृत्व को मानती है। अभी अभी अमेरिका ने उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान मोदी जी को दिया 4 दिन पहले। मोदी जी को पूरी दुनिया मानती है, पर अब दीदी मानती नहीं। अब कौन समझाएगा उनको? कोई समझा सकता है क्या दीदी? कोई समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। अगर कोई समझा सकता है तो पश्चिमी बंगाल की जनता समझा सकती है, और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से दीदी को समझा के मानेगी पश्चिमी बंगाल की जनता। मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते। कुछ लोग डर के मारे नहीं आते। हमारे सुनील बाबू बड़े अच्छे सांसद हैं, आज इनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। मैंने अभी गृह मंत्री जी को पूरी रिपोर्ट दी। यह हिंसा की राजनीति, यह भय की आतंक राजनीति, यह आतंक की राजनीति,
क्या बंगाल में चलना चाहिए क्या? अरे बंगाल की पहचान स्वामी विवेकानंद, बाबा रामकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, खुदीराम बोस, ये बंगाल ने बहुत बड़े बड़े रत्न दिए। ये बंगाल की पहचान उनसे है। बंगाल की भाषा, कला, संस्कृति, पूरी मुंबई के अंदर यदि किसी का राज था तो बंगाल के कलाकारों का राज था, बंगाल के संगीतकारों का राज था। उत्तम कुमार, उत्तम दत्त, हेमंत कुमार, किशोर दा, सब बंगाली। अभी हमारे यहाँ देवजीत भी आया हुआ, एक बड़ा अच्छा नौजवान है। कहाँ है? हाँ, ऊपर है। अभी नए नए लड़के भी दिल्ली में, बॉम्बे में छाए हुए हैं, बॉलीवुड में छाए हुए। बंगाल की पहचान साहित्य से, कला से, सारी दुनिया के अंदर है। पर दुर्भाग्य से अब हिंसा की राजनीति से हो गई, हिंसक राजनीति, सिंडिकेट राज की राजनीति, टोलाबाजी की राजनीति, टोलाबाजी की राजनीति। ये बंगाल की पहचान हो गई कि नहीं हो गई, बताइए आप लोग। इस बदनुमा दाग को हटाने का संकल्प लेने के लिए आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अमार परिवार, जोर से बोलो भाजपा परिवार, अमार परिवार, अपना और परिवार, हम सब का, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब मिलकर इस बंगाल को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्षमता है। ये बंगाल के नौजवानों में बहुत क्षमता है। आज दुर्भाग्य है कि उद्योग नहीं है, कारखाने नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं पर उन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो बाहर पढ़ने जाते हैं। मैं बेंगलोर पे उतरता हूं, एयरपोर्ट पे बंगाल के लड़के घेर लेते, कैलाश जी इस बार तो मोदी जी की सरकार बना देना, हम माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? माँ बाप हमारे अकेले रहते, हम नौकरी के लिए बेंगलोर में, माँ बाप हमारे अकेले रहते वहां पर, हम हैदराबाद में। मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बंगाल के लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं। पिछले दिनों जब कोविड के लिए उन्हें घर आना था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी ममता जी को कि हम भेजने के लिए तैयार है, रेल चलाने के लिए तैयार है, आप अनुमति दे दीजिए। ममता जी ने अनुमति नहीं दी, प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्रेन का भाड़ा राज्य के खजाने से भरा और बंगाल के लोगों को कलकत्ता भेजने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, यहां के मुख्यमंत्री ने नहीं किया।